आरक्षण पर फिर बढ़ा बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने कहा, आरक्षण खत्म करना बीजेपी की रणनीति, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सरकार से की पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग। शाहीनबाग में जारी प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने कहा अनंतकाल के लिए सड़क बंद नहीं कर सकते। 17 फरवरी को फिर होगी मामले की सुनवाई। शाहीनबाग में बच्चे की जान जाने के मामले पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस। प्रदर्शन के दौरान पिछले दिनों गई थी बच्चे की जान। राज्यसभा में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने उठाया गिरती अर्थव्यवस्था का मुद्दा, बोले आईसीयू में है अर्थव्यवस्था, अक्षम डॉक्टर कर रहे हैं इलाज। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को राहत, एससी एसटी संशोधन एक्ट को दी मंजूरी, एफआईआर से पहले प्राथमिकी जांच जरूरी नहीं, केंद्र सरकार ने 2018 में किया था संशोधन। धर्मांतरण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से की मांग, सरकार को दिया जाए कानून बनाने का आदेश, अदालत ने आदेश जारी करने से किया इनकार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हलचल तेज, सोने से सुसज्जित होगा मंदिर का गर्भगृह, पटना के महावीर मंदिर की समिति करेगी मदद। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने मोदी सरकार को घेरा, कहा पीएम ने मुंह तो खूब चलाया लेकिन उनसे देश नहीं चल रहा है, बीजेपी ने कमलनाथ पर किया पलटवार। दिल्ली में कल घोषित होंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे, सभी दलों ने किया जीत का दावा, आप बोली बीजेपी का फिर होगा दिल्ली से सफाया। दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम पर आपकी नजर, सत्तारूढ़ पार्टी ने स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात किए कार्यकर्ता, सत्येंद्र जैन बोले बीजेपी पर भरोसा नहीं। उमर अब्दुल्ला पर पीएसए लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बहन ने दी चुनौती, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने की न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ से जल्द सुनवाई की मांग। दिल्ली के गार्गी कॉलेज में छेड़छाड़ पर बवाल, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में चर्चा के लिए दिया नोटिस, धरने पर बैठी छात्राएं, पुलिस बोली शिकायत नहीं मिली। पाक सेना ने पर्वत चोटी पर फंसे विदेशी पर्वतारोहियों को हेलीकॉप्टर से बचाया, अमेरिकी और फिनलैंड के नागरिक ने की पाकिस्तान की तारीफ। चीन में बढ़ता जा रहा है कोरोना वायरस का कहर, अब तक 900 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान, चीन की सरकार पर जनता ने लगाया आरोप, कहा सरकार ने उचित कदम नहीं उठाया। सरकार ने सर्जिकल मास्क और दस्तानों के निर्यात पर लगी रोक हटाई, पिछले महीने सरकार ने लगाई थी निर्यात पर रोक, कोरोना वायरस अटैक के बाद सतर्कता की वजह से थी रोक। ऑटो सेक्टर में मंदी का सिलसिला बरकरार, जनवरी महीने में वाहनों की बिक्री में करीब 14% की गिरावट, जनवरी में यात्री वाहनों की बिक्री में 6.2% की गिरावट दर्ज। अंडर 19 वर्ल्ड कप पर कब्जे के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों के सिर चढ़ा जीत का भूत, मैच के बाद भारतीय प्लेयर्स से की बदसलूकी, वीडियो हुआ वायरल। कल खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे, तीसरे वनडे के लिए न्यूजीलैंड टीम में शामिल हुए ईश सोढ़ी और ब्लेयर टिकनर, दो मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा चुकी है न्यूजीलैंड की टीम। 6 महीने के बेटे को गिटार सिखाते नजर आए अर्जुन रामपाल, गर्लफ्रेंड ने शेयर की फोटो, कहा अच्छी है अर्जुन और बेटे की जोड़ी। ऑस्कर 2020 में वॉकिन फिनिक्स को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड, फिनिक्स ने दी इमोशनल स्पीच, कहा प्यार के साथ आगे बढ़ो तो शांति अपने आप तुम्हारे पास आएगी। दिल्ली चुनाव के नतीजे 11 फरवरी सुबह 7 बजे से लाइव हमारे साथ।